शाहीन बाग का जो तमाशा इन लोगों ने लगा के रखा हुआ है, पेड लोगों को वहां पर बिठा के रखा हुआ है, हिंदू मुस्लिम में इन्होंने एक सिंपल सा सीए बिल डिवाइड करके रख दिया है, वहां पर बिरयानी पार्टी ये करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं कि हमको नहीं पता है क्या कि राजनीतिक तुम्हारी वहां पर रोटियां सेक रहे हो तुम लोग बैठ करके, तो 24/7 तुम उनको फंड करके रखा हुआ है तुमने। तो ये जो तरीका है, ये जो राजनीति है, यहाँ की जो जनता है जो पढ़ी लिखी हुई है सब समझती। 15 लाख मैं कहती हूँ 1500 दिखा दो, 1 लाख भी दूर की बात है, 1500 सीसीटीवी कैमरा आप नहीं लगा पाए हो यहाँ पर, कितना झूठ बोलोगे, कहाँ गया वो पैसा? 57 महीने तुमने आराम किया, टांग पे टांग रख के सीटी बजाई और अब आगे फिर से अपनी वो क्या कहते हैं डबल एक्सल की शर्ट पहन के, फ्लोटर पहन के, अपनी बिचारी सी शक्ल बना के ऐसे लगा के मफला लगा के वोट दे दो जी, वोट दे दो जी, वोट दे दो जी। मोहल्ला क्लिनिक को इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को और केजरीवाल ने अपने रिश्तेदारों को दे रखा है और फिर जो है उनको जो है सरकारी पैसे से किराया दे रहे हैं उनका, ये इनका नेक्सस है। और एक बहुत जरूरी बात मैं दिल्ली को याद दिलाना चाहती हूँ, आप सबको याद होगा इन्होंने बोला था जी मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ जी, मैं जो हूँ मर जाऊंगा लेकिन बंगला नहीं लूंगा सरकारी, गाड़ी नहीं लूंगा जी सरकारी। अब दो गाड़ियां हैं इनके पास, दो दो बंगले हैं इनके पास। जो मुख्यमंत्री, जो आदमी अपने बच्चों का नहीं हो सका वो आपको और हमारा होगा क्या कभी? जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाता है वो हमारे लिए क्या करेगा? जो विद्यार्थी फेल हुआ है उसमें 54,000 विद्यार्थी को इन्होंने एडमिशन भी नहीं दिया, ऑनरेबल हाईकोर्ट को इनको धमकाना पड़ा, डंडा देना पड़ा, तब जाके इनको शायद इन्होंने कुछ विद्यार्थी अंदर लिए। दिल्ली के भाइयों और बहनों तुम देखना, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, जब तुम 16-17 में अपने घर के पानी के नलके की टूटी खोलोगे ना तो इतना साफ मिलेगा, बिस्लरी से भी ज्यादा साफ पानी, मुंह लगाना और सीधे टोटी से पानी पीना। और ये हालत है पानी की कि जब जो है दिल्ली का जल बोर्ड का पानी की टेस्टिंग हुई, सैंपल टेस्टिंग हुई 19 अकाउंट पे यहाँ का पानी फेल हुआ, जहर पिला रहे हैं हमें। सत्य जो है परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता है, केजरीवाल जी में और केजरीवाल के पूरे खानदान में दम नहीं है कि जो है सत्य को हरा दे।